नमस्कार, मैं आशा, जस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। बहुत लोग फैट वाइट करते हैं और उनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन वो फैट की वजह से गाजर का हलवा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा खोया, दूध, घी, ये सब लगता है। लेकिन इन चीज़ों के बिना भी गाजर का हलवा आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा पनीर से, तो आज चलिए मिल के बनाते हैं गाजर का हलवा पनीर से। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं, 500 ग्राम गाजर, एक कटोरी चीनी, ये चीनी वजन में 300 ग्राम है, एक कटोरी पनीर, 300 ग्राम में पनीर था जिसको कि हम मिक्सर जार में डाल के हम बारीक ग्रेंड कर लिए हैं। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। ये पनीर आपके पास ज़्यादा हो तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम डालना है तो कम भी डाल सकते हैं। देसी घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, चिरौंजी, किशमिश, मखाने, पिस्ता, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने बारीक कट कर लिया है। इलायची पाउडर। सबसे पहले हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। गाजर को छील के हम अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। गाजर के जो ऊपरी भाग है उसको हम कद्दूकस कर लेंगे और जो अंदर का भाग है इसको हम निकाल देंगे। इस तरह से सभी गाजर को हम कद्दूकस कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम एक बड़े चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम एक गाजर डाल देंगे। इस गाजर को नरम होने तक हम मीडियम फ्लेम पर ढक के कुक करेंगे। एक दूसरा पैन हम रखेंगे गैस पर और इसमें हम आधा चम्मच घी डालेंगे और इन ड्राई फ्रूट्स को भी हम हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स जो है कि हलवे में डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम भून लेते हैं तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, तो इसको हम हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बहुत थोड़ा सा भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं गाजर भून गया है अच्छी तरह से और ये साथ साथ अचपका भी हो गया है। अब इसमें हम एक ग्रेंड किया हुआ पनीर डाल देंगे। इस पनीर को ग्रेंड करते समय इसमें हम चाय के कप से आधा कप दूध ऐड किए थे, तो इस तरह से इसको हम बारीक कर लिए थे। अब इसको हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देंगे। अब इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। तो इस समय ठीक नहीं चल रहा है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, अपने पसंद की चीज़ें घर में बनाएं और घर की चीज़ें खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस तरह के नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। Oh, Sunday. Oh, Monday. I want to live.